Hello everyone, welcome to HRK education classes. And today we will learn MCQ problems of real numbers. But before starting the video, please subscribe my channel and press the bell icon. Question number 1 is A number n, when divided by 16, gives the remainder 5. Dash is the remainder when the same number is divided by 8. हमें वो एन नंबर बताना है जब से सिक्सटीन से जब डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर फ़ाइव आए लेट कर लिए कोई भी एग्जाम्पल लीजिए मान लीजिए सिक्सटीन टू द थर्टी टू थर्टी टू हुआ थर्टी टू में हमने फाइव प्लस कर लिया कितना आया थर्टी सेवन थर्टी सेवन को जब हम सिक्सटीन से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया सिक्सटीन टू द थर्टी टू तो हमारे पास फाइव रिमाइंडर आ गया अब उसने कहा डैश इज़ द रिमाइंडर वैन द सेम नंबर इज़ डिवाइडेड बाई एट अगर उसी सेम नंबर को हम एट से डिवाइड कर दें तब हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा हम थर्टी सेवन को ही सेम नंबर एट से डिवाइड करेंगे एट फोर द थर्टी टू तो हमारे पास क्या आ गया द फाइव इज द रिमाइंडर मतलब तब उस केस में भी हमारे पास रिमाइंडर क्या रहा फाइव इट मीन्स ऑप्शन डी फाइव इज द करेक्ट आंसर इसी को आप एक दूसरा एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं मान लीजिए हम नंबर लेते हैं सिक्सटीन से हमें डिवाइड करना है तो सिक्सटीन थ्री दर्टी एट फोर्टी एट में फाइव प्लस कर लेंगे ताकि हमारा रिमाइंडर फाइव बचे तो फोर्टी एट प्लस फाइव कितना हो गया फिफ्टी थ्री तो फिफ्टी थ्री डिवाइडेड बाई 16, सिक्सटीन थ्री दोर्टी एट तो आ गया हमारे पास फाइव रिमाइंडर आ गया अब हम इसी सेम नंबर को एट से डिवाइड करें तो उसने कहा क्या रिमाइंडर आएगा एट सिक्स दिन एट तो थर्टीन माइनस एट हो गया हमारे पास फाइव तो हमारे पास इस केस में भी क्या रिमाइंडर आया फाइव तो इसमें ऑप्शन डी फाइव इज़ द राइट आंसर देखिए मैंने आपको इसमें दो एग्जांपल लेके बता दिया कभी भी आपको एग्ज़ाम्पल लेंगे तो हमेशा दो तो एग्ज़ाम्पल लेके चेक करिए जरूर तो हमारे पास क्या आ गया फाइव इज़ द रिमाइंडर तो इट मीनस ऑप्शन डी फाइव इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू इज़ फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म तो हमें बताना है कि एवरी इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा आप जानते हैं कि इवन इंटीजर जो होता है हमेशा क्या होता है टू का मल्टीपल होता है तो टू का मल्टीपल यहाँ कौन है टू एम अब यहाँ पे देखिए अब एम की कोई भी वैल्यू रखें एम की वैल्यू हम ज़ीरो रखें तो क्या हो जाएगा टू इंटू जीरो जीरो एम की वैल्यू हम वन रखें तो क्या आएगा टू इंटू वन तो टू इन्टु इन्टु टू एम की वैल्यू टू रखे तो क्या आएगा टू टू द फोर तो एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ इंटीज टू एम तो इट मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इस टू एम में आप वन प्लस करेंगे तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा तो so वो ऑड इंटीजर नहीं होगा तो so यानी कि क्या आंसर होगा टू एम क्वेश्चन नंबर थ्री इज एस सी एफ ऑफ थ्री क्यूब इंटू फाइव पावर फोर एंड थ्री फोर इंटू फाइव स्केयर इज थ्री क्यूब इंटू फाइव स्केयर थ्री क्यूब इंटू फाइव पावर फोर थ्री पावर फोर इंटू फाइव पावर टू थ्री रेज टू द पावर फोर इंटू फाइव रेज टू द पावर फोर इस क्वेश्चन में हमें एस सी एफ पूछा है तो एस सी एफ़ की क्या है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर अब हमारे पास ये दो दे रखे हैं इन दोनों वैल्यूज़ के हमें एस सी एफ निकालना है वन लेंगे जो इसमें हमारा जो कॉमन निकलेगा थ्री की पावर थ्री इंटू फाइव की पावर फोर थ्री की पावर फोर इंटू फाइव की पावर स्केयर तो इसमें से हमारा कॉमन क्या हो गया लोएस्ट पावर कौन सी है थ्री की पावर थ्री तो इट मीन्स थ्री की पावर थ्री इसमें भी है तो ये हो गया हमारा थ्री की, 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 तो की, की, तो की पावर थ्री यहाँ है हमारे पास फाइव की पावर फोर और यहाँ है फाइव की पावर टू तो लीस्ट पावर कौन सी है फाइव की पावर टू मतलब कम पावर कौन सी है फाइव की पावर टू तो फाइव की पावर टू यानी कि इसमें भी है तो इन टू फाइव की पावर टू इट मीन्स थ्री की पावर थ्री इंटू फाइव की पावर टू इज अ राइट आंसर इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर इज एन स्केयर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट इफ एन इज़ एन स्केर माइनस वन जो है एट से डिविजिबल होगा जब एन की वैल्यू हम क्या रखें इंटीजर नेचुरल नंबर ऑड नंबर एंड इवन इंटीजर इंटीजर देखिए इसमें इंटीजर भी तो सब आ जाएंगे इसमें तो पहले हम बाकी ऑप्शन चेक करेंगे नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं वन से स्टार्ट होते हैं तो हमने वन रखा है यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो गया वन स्केयर माइनस वन यानी कि वन माइनस वन जीरो और वन जीरो जो है हमारा एट से डिविजिबल हो जाएगा अब हम यहाँ एन की जगह अगर हम टू वैल्यू डालें तो क्या हो जाएगा टू स्केयर माइनस वन इट मीन्स टू की पर, टू स्केयर मीन्स फोर माइनस वन इजकअल टू थ्री तो ये हमारा एट से डिविजिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब नेचुरल नंबर ये तो हमारा ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गया अब नेचुरल नंबर रॉन्ग हुआ तो इंटीजर भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं अब हमारे पास है ऑड नंबर ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर ऑड इंटीजर डाल के देखें तो हमने ऑड इंटीजर वन डाला था तो इससे हमारा हो गया था हम थ्री डाल के देखें थ्री स्क्वायर माइनस वन थ्री स्केयर मीज नाइन 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 माइनस वन इज एट तो ये डिविजिबल है एक और हम डाल के देखें फोर्थ स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन जब हमने यहाँ पे इवन इंटीजर डाला तो हमारे पास फिफ्टीन आया है तो इसका मतलब इवन इंटीजर हमने यहाँ भी डाला था इवन इंटीजर तो हमारे पास क्या आया था थ्री तो हमारे पास यानी कि इवन इंटीजर से भी हमारे पास एट से डिविजिबल नहीं हो रहा लेकिन हमने थ्री डाला उसके बाद हम एक और, और इंटीजर डालें फाइव स्केयर माइनस वन फाइव स्केयर ट्वेंटी फाइव माइनस वन इजिकल टू ट्वेंटी फोर मतलब हमारे क्या है ऑड इंटीजर डालने पर वैल्यू डालने पे हमारे एन स्केयर माइनस वन इज डिविजिबल बाय एट इट मीनस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर थ्री ट्वेंटी सेवन अपॉन टू की पावर थ्री इंटू फाइव विल टर्मिनेट आफ्टर तो ये कितने नंबर के बाद टर्मिनेट होगा तो टू की पावर थ्री इंटू फाइव तो हमें टर्मिनेट करने के लिए हमें यहाँ टेन की पावर में बनाना है तो टू इंटू फाइव टेन तो कितने फ़ाइव हमें और चाहिए दो फाइव हमें और चाहिए इस वो टेन की पावर बनाने के लिए तो so, हमारे पास टू थ्री हो जाएंगे थ्री फाइव हो जाएंगे तो ये हमारे पास टू इंटू फाइव टेन होता है तो यानी कि हमारे पास टेन की पावर थ्री मिस वन थाउजेंड मतलब कितने तीन के बाद डेसिमल आ जाएगी तो मतलब विल टर्मिनेट आफ्टर थ्री डेसिमल प्लेसेस इसी को हम सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें जब हमारे पास ऐसे दिया हो टू इंटू फाइव की पावर दिया हो तो इसमें जो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है टू और फाइव में से जिसकी हाईएस्ट पावर है उसके बाद उतने नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाता है तो यहाँ थ्री है तो थ्री, तो थ्री इसमें आप सिंपली यू बता सकते हैं कि थ्री डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा